23 जुलाई की श्रद्धांत की, जो कि आपको अभी सुनने के लिए मिलेगा। फिर आज का जो वरदान है आपको 24 तारीख का, वो आपको शाम को सुनने के लिए मिलेगा। तो परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम हर सेकंड सेफ रहें, परमात्मा की छत्र छाया में रहें, पाप करने से सेफ रहें और बुरी वाइब्रेशन से सेफ रहें और बुरी वाइब्रेशन ना किसी को भेजें। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं हर सेकंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले स्मृति सो समर्थि स्वरूप भव। स्मृति होगी तो समर्थ ताकतवर रहेंगे। बाप दादा द्वारा संगम युग पर जो भी खजाने मिले हैं, खजाने मिले हैं, समय का खजाना मिला है, हमारा समय परिवर्तन हो गया, जीवन परिवर्तन हो गया, ज्ञान का खजाना मिला है, गुणों का खजाना मिला है, इस ज्ञान से जो गुण हमें प्राप्त होते हैं उनका खजाना मिला है और हमें शक्तियां मिली हैं परमात्मा से, उनसे स्वयं को सदा भरपूर रखो। मतलब उनको जब हम याद करेंगे, बाबा ने क्या कहा मुरली में, बाबा ने मुझे क्या क्या समझाया है, किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, जब हम ऐसे स्मृति करते हैं तो ऑटोमेटिकली शिव बाबा याद आता है। जितना भरपूर उतना हलचल नहीं है ना, कोई अगर गागरी भी होती है, अगर भरपूर होती है तो वो कम हलती है, लेकिन अगर आधी होगी तो छलकेगी वो। तो हमें भी भरपूर रहना है सारे गुणों से, सारी शक्तियों से, सारे ज्ञान से। भरपूर चीज में दूसरी कोई चीज आ नहीं सकती। ऑलरेडी भरा हुआ ग्लास, उसके अंदर और पानी डालो तो निकल जाएगा एक्स्ट्रा। ऐसे नहीं कह सकते कि सहन शक्ति व शांति की शक्ति नहीं है, क्योंकि हम भरपूर हैं। थोड़ा क्रोध या आवेश आ जाता है, कोई दुश्मन जबरदस्ती तब आता है जब अलबेलापन है या डबल लॉक नहीं है। अगर आपने अगर डबल लॉक नहीं लगाई तिजोरी पर तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, दुश्मन आ जाता है उसके अंदर। याद और सेवा का डबल लॉक लगा दो, स्मृति स्वरूप रहो तो समर्थ बन सदा ही सेफ रहेंगे। याद और सेवा का डबल लॉक लगा दो, स्मृति स्वरूप रहो तो समर्थ बन सदा ही सेफ रहेंगे। मतलब परमात्मा की याद से हम शक्ति ले रहे हैं और फिर हम जब किसी को हम वो बांटते हैं ज्ञान या शक्ति, तो हमें ध्यान देना पड़ता है ना। सपोज आपने प्रसाद किसी से लिया है ना, उसके बाद में आपको प्रसाद और को बांटना है, वो बैठे हुए खाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि वो प्रसाद आप ठीक से ले रहे हैं, कहीं गिरना चाहे, कहीं उसके अंदर कुछ चीज गिरना चाहे, आप उसको ठीक से देंगे। तो परमात्मा कहते हैं यह है ज्ञान का प्रसाद लो और ज्ञान का प्रसाद ठीक ठाक बांटो। लेकिन उसके अंदर आपने क्रोध मिक्स करके बांट दिया, अभिमान मिक्स करके बांट दिया, ईर्ष्या मिक्स करके बांट दिया, तो वो प्रसाद नहीं रहा। तो ज्ञान रूपी प्रसाद जो कि सच्चा सच्चा लंगर है, जो कि सच्चा सच्चा प्रसाद है, ज्ञान का प्रसाद, तो हम क्या होंगे, तो हम सेफ रहेंगे, हमें खुशी रहेगी कि हमने लिया परमात्मा से और बांटा। तो ये है सेफ रहने का तरीका, खुश रहने का तरीका, क्रोध से मुक्त रहने का तरीका। ये सब कुछ परमात्मा हमें सिखाते हैं, बस इसकी प्रैक्टिस करनी है, याद करना और सेवा करनी। और की सेवा आध्यात्मिक सेवा, धन वाली सेवा तो पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन फिर भी दुनिया मुक्ति नहीं दे सकती है धन वाली सेवा करके किसी को, उल्टा और ही लाचार बना देती है। और ओम शांति इसके साथ।